वन प्लस ईयरबड्स नॉट ब्लू, इनके अलावा इस बॉक्स में और क्या क्या है वो जल्दी से हम देख लेते हैं। बट अगर आप इस पे फोकस करो और देखो तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इजी टू यूज, बिल्कुल सही, साउंड क्वालिटी बहुत मस्त, इन्वायरमेंटल कैंसिलेशन, नहीं 30 आवर्स वॉक चार्जिंग, बिल्कुल सही। अब देख लेते हैं इसके साथ बॉक्स में क्या क्या आ जाता है। और तो बॉक्स के अंदर अगर हम देख लें तो ये आ जाते हैं ईयरबड्स, इनको अगर मैं साइड पर रख देता हूँ तो इसके साथ मिलता है हमें एक बॉक्स जो निकालना बहुत मुश्किल है। हाँ निकल गया निकल गया। सेट योर म्यूजिक फ्री, इसमें आपको मिल जाएगा एक डाटा केबल। यही एक वन प्लस का प्रोडक्ट है जिसकी डाटा केबल में इनकी ब्रांडिंग है। बाकी मेरे पास वन प्लस 7 है, 7 प्रो, उसकी भी केबल पे ब्रांडिंग नहीं है, बट इसकी केबल में ब्रांडिंग है। लेट्स सी और क्या है इसमें। इसमें और वही एज यूजुअल मैनुअल्स हैं जो किसी काम की नहीं है। ये है वन प्लस के एयरबड्स। मेरे पास जो कलर है उसका नाम है नॉट ब्लू, नॉट ब्लू, ब्लू नॉट विनोद। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। और इसमें जो बैटरी लाइफ क्लेम करता है वन प्लस वो है 30 आवर्स केस की बैटरी और 7 आवर्स लेफ्ट एंड राइट कंसोल की बैटरी। तो चार्जिंग मैंने इसकी लगा लो, मैंने 2 दिन इसको कॉन्टिन्यूसली यूज़ किया है और मुझे चार्जिंग का कोई इशू नहीं हुआ। चार्जिंग मतलब 2 दिन फास्ट। तो अब हम इसका टेस्ट कर लेते हैं माइक्रोफोन का कि माइक्रोफोन की कैसी आवाज़ आती है। तो अभी जो आवाज़ है वो डायरेक्ट माइक से आ रही है, ईयरबड से नहीं आ रही। तो अब मैं ईयरबड से कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये ईयरबड्स के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब जो भी आवाज़ आ रही है मेरी ईयरबड से आ रही है। अभी आवाज़ इतनी डिसऑर्ड नहीं हो रही होगी क्योंकि नॉर्मल ही है, फैन भी काफ़ी स्लो चल रहा है। बट मैं आपको बताता हूँ अगर हल्की सी भी हवा आती है, सपोज तभी मैंने यहाँ एक ड्रायर रखा है, ड्रायर चलाता हूँ तो देखते हैं इसकी आवाज़ कितनी वो होती है। तो मैं इसको आवाज़ चलाता हूँ तो आपको जो भी मेरी आवाज़ आ रही है वो, मतलब अगर हवा चल रही होगी तो इतनी आवाज़ आती है इसमें, और आपको जैसे सुनाई दे रही है लेकिन उनके कमेंट सेक्शन भी। अब मेन बात पे बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी। तो साउंड क्वालिटी इसके प्राइस के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। इसमें बेस जो है वो मतलब इतना हाई आपको नहीं मिलेगा, पंची बेस है, और इसका जो अपना ओवरऑल साउंड है वो अच्छी लगी, मतलब आप सुनोगे आपको भी मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, मजा आया। हाँ, और बट इसमें इतना है कि अगर आप फुल वॉल्यूम पे रखते हो तो भी आपको बाहर से आवाज़ अंदर आती है, मतलब इतना आपको ये पैक नहीं करता आपके ईयर्स। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, जैसे सपोज मैंने कार ईयर्स पे लगाए हैं इसको, तो मैं अब इसको आपको दिखा देता हूँ कि मतलब ये कान से गिरते भी नहीं है। मैंने इसको 1 हफ्ता हो गया जिम पहनते हुए और मैंने सारी एक्सरसाइज किया, मतलब रनिंग, कार्डियो वगैरह सब सब, बट ये कान से नहीं गिरते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, मतलब कि जो इसकी ईयर फिटिंग है वो काफ़ी बढ़िया है। साउंड मैंने आपको बता दिया इसकी अच्छी साउंड है, मतलब आप ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि इसकी साउंड जो है वो बहुत ही अलग से, मतलब आपको अगर आप सॉन्ग सुन रहे हो तो आपको सॉन्ग का हर एक चीज़ पता चलेगा, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, गिटार, वायलिन, अरे मतलब एवरीथिंग, मतलब सब। और उसकी ईयर फिटिंग भी काफ़ी अच्छी है। बस जो मुझे इसमें बुरा लगा है वो इसका माइक है, एंड दैट्स ऑल।